राधे राधे, सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे, आज हम अपने कान्हा जी के लिए 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए कैप बनाएंगे, वो भी क्रिसमस आ रहा है इसलिए उनके मतलब कि रेड और वाइट जो कैप होता है वो बनाने वाले हैं हम। तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैं नीटिंग में बनाना सिखाऊंगी आपको। तो इस तरह से आप 2 कलर ले लीजिए, रेड एंड वाइट। और हमने इसमें जो है अपने 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, तो इसके अंदर हमने जो है 24 फंदे ले लिए हैं और 24 फंदे लेकर हमने 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली हैं, जिससे कि इस तरह की 2 धारियाँ आ गई हैं दोनों तरफ से। तो ये हमारी 5वीं सिलाई है। अब हम यहाँ पर अपना कलर जो है चेंज करेंगे, यानी कि उल्टी उल्टी 4 सिलाइयों के बाद हम अपना रेड कलर जो है चेंज करेंगे। यहाँ पर हम अपना रेड कलर लगा लेंगे और वाइट कलर को हम यहाँ पर जो है काट देंगे और सीधी उल्टी हमारी सिलाइयाँ चलेगी अब, यानी कि 1 सीधी और 1 उल्टी। ये बहुत आसान कैप बनाने में आसान है और देखने में और पहनाने में भी बहुत सुंदर लगने वाली है। तो चलिए बनाते हैं। अब आगे हमने इस तरीके से इसको बांध लेना है। यहाँ से हम इसको काट देंगे वाइट वाली को, क्योंकि अब अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप फर वाली ऊन भी लगा सकते हैं, लेकिन आजकल फर वाली ऊन मिल नहीं रही है, इसलिए आप इसलिए सिंपल ऊन इस तरह से 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लीजिए। यहाँ से हम इस तरह से इसको पक्का कर देंगे जिससे ये खुले नहीं। यहाँ से हम इस तरह से सीधी सीधी सिलाइयाँ बुनेंगे। अभी हम पहला फंदा बुन रहे हैं, लेकिन बाद में हम पहला फंदा बुनेंगे नहीं, बिना बुना ही लेंगे। ये हमने अभी धागा लगाया है, अपना कलर चेंज किया इसलिए। तो इस तरह से हम सीधी सीधी पूरी सीधी सिलाई बनाएंगे और एक हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। पहले हमने 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई थी। ऐसे हमने पूरी सिलाई जो है बना ली है सीधी। अब ये हमारी उल्टी सिलाई है, ऐसे हम पलट लेंगे। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से पहला फंदा बिना बुना लेंगे और इस तरह से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे जी। इस तरह से जो आगे की तरफ बुनता है ये उल्टा होता है, जो कि हमने नीचे बॉर्डर में बनाया है। इस तरह की सिलाई हमने 4 बनाई थी। अब हम इस तरह से सीधी उल्टी बनाएंगे। हम इसको कम से कम 1 इंच बनाएंगे। अगर आपको ज़्यादा गहरी बनानी आप या बड़े कान्हा जी की बनानी है आपको और बड़े कान्हा जी की, तो आप उतनी ही चौड़ाई को बढ़ाते रहेंगे, लेकिन ये हम सिर्फ 1 इंच बनाएंगे, यानी कि इतनी हमारी बन चुकी है। हम थोड़ा सा 1/4 इंच जो है कोई फंदा बढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ सीधी उल्टी सिलाई बुनेंगे। ये देखिए हमने सीधी उल्टी सिलाइयाँ बना ली है। ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन ठीक है हमारे लिए। अगर हम इसको इस तरह से नापेंगे तो ये हमारा 1.5 इंच के करीब बन गया, यानी कि 1 इंच ऊपर और 1/2 इंच के करीब हमारा ये। तो इतना हमारे लिए कान्हा जी के लिए बहुत है। चाहे तो आप इसकी 2 सिलाइयाँ कम भी कर सकते हो, लेकिन ये हमने 8 सिलाइयाँ बनाई है और ये हमने नीचे 4 सिलाइयाँ बनाई है। अब हमें इनको आधा यानी कि आधा तक बुनना है। अब हम इसकी घटाई जो है शुरू करेंगे। पहला फंदा हम इस तरह से बिना बुना ले रहे हैं। ये हमारे 24 फंदे हैं, तो पहले हम यहाँ पर 11 फंदे बुन लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, जबकि आधे आधे हमारे 12 12 फंदे होते हैं। इसमें हमने 24 की बजाय अगर हम 25 डालते तो हमारे को सेंटर का फंदा मिल जाता, लेकिन हमने ये 12 फंदे का हिसाब किया तो हमें सेंटर का फंदा नहीं है हमारे पास, इसलिए हमने इधर 11 करें, इधर हम 11 करेंगे और बीच का जो 2 फंदे हैं इनको हम 2 का 1 कर देंगे, यानी कि ये सेंटर है, यहाँ पर भी 11 रहेगा, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए आगे की तरफ से हम बुनेंगे ऐसे और ये हमारा सेंटर का फंदा हो गया, यानी कि 11 इधर 11 इधर और ये हमारा। तो थोड़ा सा आप गिन के या यहाँ पर कोई निशानी भी लगा सकते हो आप। तो ये हमारा यहाँ से अब देखिए 11 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो बाकी के 11 फंदे ऐसे बुन लेंगे हम।
उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी और सीधी पर हमारी जो है घटाई होगी। सेंटर में हम फंदे घटाते रहेंगे तो हमारा जो है अपने आप शेप जो ले लेगी कैप, इस तरह से पूरी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ये देखिए हमारी सीधी सिलाई आ गई है। सीधी सिलाई पे अब हमने बीच में दो का एक किया था तो ये 23 फंदे हमारे पास हो गए हैं, यानी कि 11 इधर 11 इधर, बीच में एक फंदा। तो अब हम जो है 11 की बजाय 10 बुनेंगे, यानी कि हर सिलाई पे हम सीधी पर एक एक फंदा कम बुनेंगे, यानी कि बीच में हमें घटाना है। तो ये एक हमने बिना बुना ले लिया, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये 10। तो ये हमारा जो फंदा है जो हमने दो का एक किया था, तो यहाँ से भी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। तो ये 3 फंदे हमारे बीच ही हैं, 10 इधर हो गए, 10 हमने इधर बुन लिए। तो इन 3 फंदों को हमें घटाना है। तो कैसे घटाना है हमें, ये लिया हमने आगे का फंदा, पीछे का हम नहीं ले रहे हैं। जैसे हम गले को बुनते हैं वी गले को, सेम तरीका हमारा। ये देखिए पहला फंदा उठाया, पीछे का तीसरा फंदा हमने इस तरह से उठा लिया और इनको इस तरह से बुन लिया। ये देखिए ऐसे हमने ऊपर की तरफ ले लेना है। एक बार फिर से दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ा, ये देखिए ऐसे ऐसे दो फंदे बुने, बीच वाला नहीं लिया हमने, इसको ऐसे किया और यहाँ से इसको बुन के ऐसे खींच लिया और पहला फंदा हमने निकाल दिया। बीच का फंदा हमने बुना नहीं है इसलिए हमने इसे सिलाई में ऐसे उठाया, पीछे का निकाल दिया और फिर से इसको सिलाई में ले के और ये जो हमने बुना है इसको, बीच का फंदा जो नहीं बुना था ये हमारा पीछे की तरफ है, इसको हम पलट देंगे इसके ऊपर से जो कि हमने बुना हुआ है। तो ये 3 का एक हो गया, इसको हम सिलाई में ऐसे रख लेंगे और बाकी के आगे के 10 फंदे इसी तरह बुन लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे, सीधी सिलाई पे फिर हम 3 का एक करेंगे। देखिए हम फिर से सीधी सिलाई पे आ गए, हमने 10 बुने थे, इस बार हम 9 बुनेंगे फिर 3 का एक करेंगे बीच में। तो इसी तरह से हम जो है फंदे घटाते रहेंगे जब तक हमारा जो है बिल्कुल लास्ट में 3 फंदे नहीं रह जाते। तो अगर आप किसी बच्चे के ट्रैप बना रहे तो उसमें फंदे ज़्यादा बनाएंगे और ऐसे सेंटर में सेम तरीका होगा कैप बनाने का। ये बहुत प्यारी कैप बनती है, छोटे बच्चे पे बहुत अच्छी भी लगती है। तो इस तरह से हम ये देखिए 3 फंदे ले लिए हमने, 4 5 छ 7 8 और ये 9। ये हमारे फिर 3 फंदे बीच के आ गए। ये देखिए अब अलग से दिखाई दे रहा है, जब हमारा इस तरह से बेल अलग से दिखाई देगी तो हमें फिर गिनने की जरूरत नहीं, हमें इस फंदे के दोनों तरफ का छोड़ना है, बाकी फंदे हमने बुनने हैं। क्योंकि ज़्यादा बड़ी कैप बनाएंगे जब तो हम बार बार नहीं गिनेंगे। अब इस तरह मैं आपको गिन के दिखा रही हूँ, ये देखिए अलग से दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये सेंटर का फंदा। तो फिर से वही तरीका, आगे वाला ये फंदा हमने ऐसे बुना और ये सेकंड फंदा हमने ये ऐसे ले लिया, बीच का नहीं लिया। ये देखिए बीच का हमने छोड़ रखा है, ये देखिए ऐसे लिया, फिर से हमने इसको बुना, ये पहला निकाल दिया और ये बिना बुना है जो इसको ऐसे सिलाई में ले लिया हमने, फिर से सिलाई में से डाल दिया और इसके बुने हुए के ऊपर से हमने ऐसे पलट दिया। तो इस तरह से देखिए बेल सी आएगी जो सेंटर में चलेगी, दोनों तरफ हमारे फंदे घटते रहेंगे। इस तरह से हमें जब तक घटाने हैं जब तक हमारे लास्ट में 3 फंदे नहीं रह जाते। तो इस तरह पहले बना लेते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से घटाए, ये आप देखिए अलग से बेल दिखाई दे रही है और ये फंदे भी हमारे घट गए हैं। ये थोड़ी सी मैं अलग बना रही हूँ जिससे कि ये जो कैप होती है ऐसे खड़ी ना रह के थोड़ा सा जैसे गिरती है, तो इस घटाई से ऑटोमेटिक देखिए ऐसे जो है अपने आप गिरेगी नीचे को और बहुत सुंदर भी लगती है। तो इस तरह से हम ये लास्ट में भी एक ही फंदा हमारा है जो हमने बिना बुना ले लिया और ये 3 फंदे घट जाएंगे। इस तरह से हम सारे फंदे जो है घटा देंगे। ये देखिए और यहां से हमने इसको इसी तरीके से पलट दिया तो ये 3 फंदे हमारे पास रह गए हैं। ये देखिए एक
और ये हमने ये बुना दो और ये लास्ट का तीन। अब हम यहाँ पर उल्टी सिलाई में इन तीनों को घटा देंगे, यानी कि दो का एक करा और ये दो का एक। और यहाँ से उनको निकाल के इतनी ऊन हमें रखनी है जितना कि हमारी साइड की सिलाई हो जाए, तो उतना आप कैंची से काट देंगे। तो ये हमारी कैप इस तरीके से ये देखिए बनी है, ये इस तरीके से घटाई हुई है। ये तो यहाँ से हम जो है सीधा इधर से ऐसे उल्टी साइड से ऐसे सिल देंगे यहाँ तक। ये हमने सुई में धागा ऐसे पिरो लिया, इसको हम उल्टी साइड से ऐसे किनारे से बिल्कुल इस तरह से अपना सिलते हुए हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये देखिए ऐसे पकड़ेंगे हम, ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से ऐसे खींच लेंगे पहले हम इसको, और यहाँ से बिल्कुल किनारे से इस तरह से हम जैसे स्वेटर सिलते हैं ऐसे हम पास पास में, ये हमने बिना बुना फंदा लिया है, इस ये बेल है जो हमारी, इसी से इस तरह से हम सिलते रहेंगे। ये देखिए यहाँ से लिया, यहाँ से लिया और ये, तो यहाँ तक पूरा सिल देंगे। देखिए हमने सिलाई कर ली है, ये देखिए कितनी अच्छी कैप बनी है और ये बहुत अच्छी खुली बनी है। आपको जितनी खुली बनानी हो उस हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ तक जो हमने ये सिलाई करी थी यहाँ तक कान्हा जी को जो है सर पे फिट आएगी, उसके बाद ही इस तरीके से गिरेगी। यहाँ अभी वाइट कलर का पम्पम लगाएंगे, तो चलिए बनाते हैं कैसे बनाना है। ऐसे वाइट कलर का ऊन ले लेंगे और उसको उंगली पर अच्छे से, ये दो उंगली अगर आपको ज़्यादा बड़ा बनाना है, जैसे हमारा छोटा सा कैप है बड़ा नहीं है, तो हम एक ही उंगली पे इस तरह से काफ़ी बार, मतलब जितना बड़ा आपको हैवी बनाना है इस तरह से हम घुमा रहे हैं। देखिए हम गिन नहीं रहे, हम अंदाजे से कर रहे हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छे से, ये देखिए आप देख सकते हो कितना मैंने इसको ऐसे करके, अब हम कैंची से इसको काट देंगे और यहाँ से बीच में से हम जो है इस तरह से एक क्रोशी की सहायता से ऐसे, ये देखिए हमने, और यहाँ से हम इसको खींच के ले आएंगे, ये देखिए, और इनको आपस में अच्छे से टाइट से बांध देंगे और उंगली में से निकाल देंगे। इस तरह से बांधने के बाद यहाँ से ऊन हमारा नीचे, और यहाँ से हम इसको काट देंगे कैंची से। आपको अगर और भारी बनाना हो, जितना भी ज़्यादा आप उंगली पे लपेटेंगे उतना आपका भारी बन जाएगा। ये देखिए हमने इस तरह से काट दिया क्योंकि हमें बहुत बड़ा नहीं चाहिए, और इसको हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे, यानी कि इस तरह से जितना बड़ा हमें चाहिए उस तरह से हम इसको कटिंग कर करके बिल्कुल गोल कर लेंगे। ये देखिए ऐसे लेंगे, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा भार निकल रहा है सबको ऐसे हम इस तरह से हम इसको काट के ऐसे हैवी सा बन जाएगा। जैसे हम बहुत कैप हमारा बहुत छोटा, तो उसके लिए हमने इतना बड़ा लिया। आपको और बड़ा बनाना है तो आप कितना भी बड़ा इसको बना सकते हो। जब भी आप इसकी कटिंग करें, जैसे हम कटिंग करें, इसमें मज़ा बहुत आता है कटिंग करने में, ये ना हम पूरा काट ही दें, तो इसका ध्यान रखना आपको अच्छे से, बस उतना जितना आपको चाहिए वहाँ तक आपको इसको, ये देखिए इस तरह से बस फिनिशिंग देनी है। जैसे कि हमारी कैप छोटी है तो हमें इतना बड़ा बहुत लग रहा है, यहाँ से हम इसको एक क्रोशिये से ऐसे कोने पर, या तो आप उल्टी तरीके उल्टे यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये हमने यहीं पर ही निकाल लिया। और ये जो हमने जिससे बांधा था एक धागा, हम इस तरह से खींच के इधर ले आएंगे और इनको आपस में ऐसे यहीं पर बांध देंगे, और बाकी हम पम्पम के हिसाब से जो है धागा छोड़ के यहाँ पर कटिंग कर देंगे इसको। ये देखिए
अब हम इसको यहाँ पर जितना हमारा इसमें पता नहीं चलेगा ऐसे करके यहाँ पर छोटा सा कैंची से इसको काट देंगे। तो ये देखिए हमारी कैप बनके तैयार हो गई। देखिए कितनी प्यारी कैप बनी है छोटी सी। ये देखिए हमारा कैप बनके तैयार हो गया। कितना अच्छा कैप बना और कितना आसान था बनाना। आप भी इस तरह से कान्हा जी के लिए कैप बनाइए। इसको जितना आपको फंदे कम डालेंगे उतना छोटा बन जाएगा। बहुत ज़्यादा छोटा एक नंबर कान्हा जी के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत छोटा बनता है उसके लिए कहाँ पम पम बनाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है। उसके लिए आपको बिल्कुल सिंपल कैप बनाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि हाँ दो नंबर तीन नंबर ये जितने भी आप फंदे कम करेंगे उतना जो है नीचे से ये घेरा कम होएगा इसका। तो ये आप गोलाई देख लीजिए और इस तरह से अपने कान्हा जी के लिए कैप बनाइए। तो देखिए कितना सुंदर कैप बनाया। आप भी ऐसे कान्हा जी का कैप बनाइए, क्रिसमस पे पहनाइए। कान्हा जी आपको बहुत सारे गिफ्ट देंगे। राधे राधे।